the last 2 years, Scotland has been declared the most beautiful country. Sabse khoobsurat desh. Let's see how. क्या यहाँ के रास्तों की वजह से, या इन इमारतों की वजह से, यहाँ के खाने की वजह से, या खिलाने की वजह से, हो सकता है लोगों के शौक की वजह से, या फिर खुद लोगों की वजह से। बट नो डाउट, स्कॉटलैंड इज ब्यूटिफुल। हेलो गाइस, ये ब्लॉग शुरू होता है यहां से। अभी बज रहे सुबह के 9:15। व्हाट्सअप गाइस, तो ब्लॉग शुरू होता है यहां से। तो ब्लॉग शुरू होता है यहां से एक्चुअली में। नहीं यार, यहाँ भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से होता है ये व्लॉग शुरू। सो अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और ड्यूटी फ्री के बाहर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा संभाल लूँगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे मंगाया। फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्कॉटलैंड एक सोलो ट्रिप पे और अभी बज रहे हैं 11:15। बट मैंने शुरू में दिखा रहा सुबह के 9:15 बजे, तो मैं आपको फ्लैश बैक में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं साहिल के साथ क्या कर रहा था और साहिल वहाँ पे क्या करने आया था। तो गाइस, मैं आज निकलने वाला हूँ स्कॉटलैंड अपनी सोलो ट्रिप पे, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कहीं बाहर निकलने का। और 1 मिलियन की खुशी पे बाहर नहीं निकलूंगा तो कब निकलूंगा यार। और साहिल हर बार की तरह मेरा दिल तोड़ रहा है, मेरे साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है। और मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में भी जब मैं थाईलैंड गया था कि कमेंट करो सो बोलो यार साथ चले, तो इस बार भी मैं यही बोलना चाहता हूँ उसको बोलो कि साथ चला करे यार ऐसे ऐसी ट्रिप्स पे, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। सोलो ट्रिप पे मैं साथ नहीं आ सकता ना, तो क्या हो गया, दो लोग ट्रिप हो जाती, दोनों जाते तो साले डोलो तो पैरासीटामोल है, फीवर हो रहा है देखिए। तो वहाँ जाके बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में और बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और साहिल को मैं यहीं पे बाय बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच बाय ड्रॉपिंग मी, लव यू भाई, बाय, सी यू सून, सी यू, बी योर गुरु। सोच रहा हूँ कि कुछ खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फ्लाइट में मील्स भी होंगी बड़ी सही सही, और वर्जिन अटलांटिक मेरी फ्लाइट है जो बहुत ही अमेजिंग फ्लाइट्स हैं इनकी, और उसमें खाना भी बहुत सही मिलता है और एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं होती, तो मेरा टाइम पास तो बहुत बढ़िया होने वाला है। उसके अलावा मैं पंजाबी मूवीज बड़े अपडेट डाल के रहा हूँ फोन में देखने के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लंदन, बहुत ज़्यादा हूँ मैं एक्साइटेड। यहाँ से मुझे आगे मिलेगी मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट जो मुझे लेके जाएगी ग्लासगो स्कॉटलैंड। सो ये है लंदन सिटी का मेन एयरपोर्ट, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, जहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे कनेक्टिंग फ्लाइट की तरफ, जहाँ से मैं ग्लासगो की फ्लाइट लेने वाला हूँ। सो दिल्ली से जो मेरी फ्लाइट थी वो थी वर्जिन अटलांटिक की, जो मुझे लेकर आई है लंदन हीथ्रो, और यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है ब्रिटिश एयरवेज की जो मुझे स्कॉटलैंड लेके जाएगी। तो मुझे इन ऑल ये जो फ्लाइट का खर्चा है मैंने डायरेक्ट बुकिंग करी थी, ऐसा नहीं है कि लंदन की अलग करी थी और स्कॉटलैंड की अलग करी थी, मैंने एक ही बार में बुक करी थी, तो इन ऑल मुझे 22,000 की एक टिकट पड़ी। Hand baggage should not block the aisles or exit. It must be put under the seat in front of you or in an overhead locker. Please place items in the locker. Let me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you let me, baby. तो तुम दूर देश आओ और कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी यहाँ से मुझे टैक्सी बुक करनी है अपने लिए, और समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, तो मैंने उबर किसी को बोल के बुक करवाया क्योंकि मेरा नंबर यहाँ पे चल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो इससे बेटर मैंने सोचा जो लोकल राइड है उनसे बुक करवाऊँ मैं, और ठंड भी यहाँ बहुत हो रही है, और एक्चुअली यहाँ पे 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। बहुत ही सेक्सी मौसम है स्कॉटलैंड का इस टाइम पे। तो अभी उबर आएगी और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने होटल। बिल्कुल सुनसान है अपने यहाँ तो एरिया पूरा। सो
रात को मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और अब टाइम आ चुका है अपने इस प्यारे से रूम को बाय बोलने का। बाय बाय रूम, मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। मैं निकल रहा हूँ एडिनब्रा के लिए, यहाँ से मुझे कोच लेना है। एडिनब्रा मेन सिटी है स्कॉटलैंड की, सबसे पहले ग्लासगो है और उसके बाद है एडिनब्रा, ये दो मेन सिटीज है। तो मैं ग्लासगो में रात को था, अभी मैं जाऊँगा एडिनब्रा और बहुत ही सुंदर सेक्सी जगह दिखाता हूँ कल आपको। चल भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है स्कॉटलैंड के और ग्लासगो। आई एम इन लव विद दिस प्लेस यार। जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था वो मैंने ग्लासगो क्लॉक रूम में सबमिट करवा दिया, लगेज रूम में डलवा दिया, क्योंकि मुझे वापस आना है एडिनब्रा से ग्लासगो। तो अभी एडिनब्रा कैसे जाना है उसके लिए मैं अपनी, मेरी टिकट कन्फर्म है बट मैं ट्रेन अभी कन्फर्म करने जा रहा हूँ कि कौन सी मुझे पकड़नी है और मुझे कैसे जाना है। क्या बात, हंस के तो दिखा रहे जरा। अब पोज क्या कर रहे हैं? अच्छा, अटक गई है वीडियो। और ये जो आप मेरी प्रॉपर्टी देख रहे हो जो मैंने बुक करी, ये बिल्डिंग है 1844 में जो बिल्ट हुई थी, तो बहुत ही ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। तो भाई बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आएगा मेरे को, तो मतलब मज़ा आ जाएगा, स्वाद ही आ जाएगा इसमें रहने का। क्या बढ़िया पेड़ है यार, इंडिया में ऐसे पेड़ पता नहीं क्यों मिलते नहीं है हमें। एडिटिंग से बड़ा बड़ा के सैचुरेशन वगैरह ऐसे करने पड़ते हैं हरे पेड़, ये हरा पेड़ है हम एडिट करके ऐसा कर देते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ नेचुरल है यार। तो ये है शानदार एयर बी एन बी जिसके साथ ये चिमनी विमनी, क्योंकि ठंड बहुत रहती है, मैंने बुक करा अपने लिए। यहाँ का नज़ारा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। कल का जो मेरा स्टे था वो एकदम एयरपोर्ट के पास था, जहाँ चहल पहल काफ़ी थी, और यहाँ एकदम शांति और अलग तरीके का मैंने रूम बुक किया अपने लिए, क्योंकि मैं ये भी एक्सप्लोर करना और एक्सपीरियंस करना चाहता था। सो गाइस, चेक-इन वगैरह करने के बाद मैं अपने बीएनबी से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ एडिनब्रा कैसल में। तो कैसल जो यहाँ पे एडिनब्रा का वो बहुत ही ज़्यादा पुराना, पता नहीं कितने सालों पहले, जब तक मेरे अंडे भी नहीं फूटे थे और हमारे किसी के भी नहीं फूटे थे। खैर, बहुत पुरानी, बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूँ, करीब 600 करोड़ साल पहले की। तो वहाँ कैसल में मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है मेरी माँ, तो अभी मैंने GPS लगा रखा है और यहाँ का मैंने लोकल सिम भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे डेटा पैक सस्ता मिलता है अगर तुम लोकल सिम लेते हो, लेकिन अगर इंडिया से रिचार्ज करा के आते हो महीने भर का तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये खर्चा है। तो ये दिख रहा, देखो चोरी चोरी जो झाँक के दिख रही है ना, तो बड़ी सी बिल्डिंग ये है कैसल, बस अब यहीं चल रहे हैं। ओहो, ऑन द स्पॉट देखो क्या क्रेजी चीज़ मिली मुझे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हो रहा है ये। अभी तक तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। आई एम ऑलमोस्ट देयर, बस 2 मिनटों में मैं और कैसल पहुंच रहा हूँ। बहुत ही फन हो रहा है रास्ते में यार। ये मैं फाइनली पहुंच गया कैसल भाई, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ी मैंने, कम से कम 500-600, उसके बाद इतना लंबा हिल चढ़ा जैक एंड जिल, लेकिन मज़ा आ गया यार, क्या जगह है ये। प्रतीत होता है यहाँ पे कोई बढ़िया सा बड़ा सा इवेंट होने वाला है, और ये कुछ मुझे याद दिलाता है किसी फुटबॉल ग्राउंड की। प्रॉबेबली यहाँ पे ये इवेंट्स होते रहते होंगे, इसलिए इतनी सारी सीटिंग है और इतना बढ़िया बनाया हुआ सीटिंग अरेंजमेंट, तो लोग बैठते होंगे और एंजॉय करते होंगे। जैसे सामने देख सकते हो कि कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए शायद प्रिपरेशन है। इसी बीच मेरा थोड़ा सा मन आया शॉपिंग पे, देख रहे हो जाए भाई यहाँ पे कपड़ा कितना बढ़िया मिलता है। और दूसरी चीज़ जो अमेजिंग है यहाँ पे देखने लायक है, वो है 10 स्कॉच विस्की एक्सपीरियंस। तो जितने भी दुनिया में स्कॉच बनती है सारे स्कॉटलैंड के पानी से ही बनती है, हम लोग को पता है, उनको नहीं पता, अब पता चल जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे विस्की म्यूजियम्स है बहुत सारे स्कॉटलैंड में, जहाँ तुम जा सकते हो और अंदर कम से कम 50-60 हज़ार टाइप की विस्कीज होती हैं, उनको टेस्ट कर सकते हो, पी सकते हो, खरीद सकते हो। बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी है कि हर चीज़ की एंट्री टिकट होती है यहाँ पे, कोई भी चीज़ नेक्स्ट टू नील होता है फ्री होना। जैसे कैसल अगर आपको अंदर नहीं जाना तो अंदर मत जाओ, जैसे मैं भी अंदर नहीं गया क्योंकि मैं एक तो अकेला था, मैं थक जाता बहुत ज़्यादा वैसे भी, और फोटोज वगैरह ऑब्वियसली मैंने क्लिक करा ली। उसी तरीके से विस्की टाउन की भी टिकट फ्री नहीं है, इसमें घुसने के लिए £25 एंट्री है, यानी कि 2500 रुपये। अब मैं आनंद लूंगा थोड़ा फिश चिप्स का, आज यहाँ की स्पेशलिटी है।
ओए बड़े बुरे हाल हो गए भाई, पैर दुख गए हैं मेरे चल चल के इतना ज़्यादा। मैं कम से कम 7-8 किलोमीटर चल लिया हूँ अभी तक और बुरे हाल है। बस मैं बिस्तर पे पढ़ना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, मैं होटल वापस आ रहा हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हुआ एडिनरा। तो अभी 1-2 घंटे का रेस्ट लेके फिर शाम को सोचते हैं क्या करना है, मार्केट वार्केट चलते हैं और घूम के आते हैं। 1:37 लेटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी ज़बरदस्त किचन है इस B&B की। और यहाँ पर मैं अभी अपने लिए कुछ कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ी फ्रेश कॉफ़ी है, यहाँ पे डीकैफिनेटेड है और इसमें थोड़ी सी ग्राइंडेड कॉफ़ी भी है। और अब पीते हैं बढ़िया सी कॉफ़ी और उसके बाद सोने के लिए चलते हैं। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सोया नहीं 2-4 दिन से, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, शाम को किसी बढ़िया जगह पे निकलते हैं। 3 hours later. Can I shoot that? Are you grinding the beans? Yes, I am. All right. John, say hi to my camera. Hi there, how you going? I'll ask my audience, my followers to comment down below the video. That John, you look awesome. You look handsome. Thank you very much. Thank you. So yeah, मैंने 9-11 से purchase किया है Starbucks की Frappuccino, क्योंकि ये इंडिया में मिलती है बहुत ही ज़्यादा expensive। तो यहाँ पे मैंने लिया इसको सिर्फ 1 pound में, यानी 100 रुपए के आसपास से मेरे को पड़ी है। तो foreign trips obviously महंगी होती है, लेकिन वो चीज़ें लो जो इंडिया में महंगी मिलती है। Supposingly cosmetics, वो और जो लंडन बेस्ड कपड़े हैं, लंडन के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पे आपको सस्ते मिलेंगे। बट अगर वही चीज़ आप इंडिया से लोगे तो ड्यूटी व्यूटी लगने के बाद वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो स्मार्ट कंज्यूमर मैं इंडिया में हूँ ऑफकोर्स, लेकिन बाहर आके भी हूँ। The next day. Morning guys, मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी थोड़ी देर में बस पूरा बाल बाल सेट करके निकलते हैं थोड़ी देर में ग्लासगो के लिए। तो आप ये देख सकते हो यही मेजर डिफरेंस है ग्लासगो और एडिनबरा में, जो मेन सिटीज हैं जो दोनों। ग्लासगो जो है दैट इज मोर ऑफ अ सिटी, ये प्रॉपर आपको ऐसा लगेगा कि एक मेट्रो सिटी में आप आ गए हो। वहीं अगर आप एडिनबरा जाते हो तो आपको हेरिटेज टाइप का और प्रिमिटिव टाइप की फीलिंग वहाँ पे आएगी। तो ये मैं आ गया ग्लासगो सेंट्रल के रेल स्टेशन और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी अपने होटल बैगेज कलेक्ट करके। 26 pound यानी कि 2500 रुपये ऑलमोस्ट में मुझे मेरी बैगेज मिली है। 25 से 26 घंटे बाद मैंने लिया, 2 bags दिए थे मैंने जिसका मुझे 2600 रुपये 2500 रुपये देने पड़े। इतने में एक होटल भी ले सकता था वैसे, पर ठीक है, वॉज एन इमरजेंसी तो करना पड़ता है। So guys, I've reached my hotel. ये है मेरा होटल जिसका नाम है कैंप नाइल होटल और ये एक बहुत ही अच्छी और डिमांडेड प्रॉपर्टी है। इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हो बहुत सारे होटल्स हैं और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है। यहाँ से सिटी सेंटर वॉकिंग है ओनली 10-15 minutes। और इन लोगों ने मेरा कार्ड दिया क्योंकि मैंने गोवा वीवो से बुक करा था तो 12 बजे उसमें चेक इन लिखा हुआ था। ये लोग कह रहे हैं 2 बजे से पहले हम आपको रूम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कल रात को पूरा पैक था, तो अभी गेस्ट ने चेकआउट नहीं करा। ऐसी BT मिल जाना इतना चलने फिरने के बाद तो बड़ा गुस्सा आता है, तो मैं गुस्सा पीना चाहता हूँ और थोड़ा घूमना चाहता हूँ आसपास। ये देखो यार क्या बढ़िया सी चीज़ है, दैट सीम्स टू बी अ म्यूजियम, आई गेस म्यूजियम या कोई स्टेडियम सा लग रहा है। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या है। तो ये है मेरा रूम, आप देख सकते हो ग्लासगो सिटी में। तो ये देख सकते हो बड़ी फेमस चीज़ें यहाँ की, जिंजर बियर जो नॉन अल्कोहलिक होती है, लेकिन इसको बोला जाता है जिंजर बियर क्योंकि फ्लेवर्ड बियर होती है। तो बहुत ही ज़्यादा नाम सुना था मैंने इसका, ये मुझे 1 pound 30 pence में मिली यानी 120-130 रुपये की। तो उसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ ग्लासगो सिटी सेंटर में और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मेन पॉइंट है ग्लासगो का, यहाँ पे सेंट्रल अपना दिल्ली का CP लगा लो। और जब मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सब मेरे को देख रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि मैं किसी मोटिव से शूट कर रहा हूँ सारा। अब बात आती है कि सिटी सेंटर में क्या है। तो यहाँ पे मेन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है, यहाँ बहुत सारे कैफेज हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया पब्स हैं, यहाँ पे मेन अप्रोच है टैक्सीज की, बसेस की, हर चीज़ की। और यहीं पास में एक मेन अट्रैक्शन, एक सेंट्रल अट्रैक्शन है जिसका नाम है जॉर्ज स्क्वायर। तो जैसे हमारे चौक होते हैं यहाँ पे स्क्वायर्स होते हैं, तो स्क्वायर एरिया मार्केट एरिया होता है और वहाँ पब्स कैफेज वगैरह बहुत ही हैपनिंग सीन रहता है। तो जॉर्ज स्क्वायर चलते हैं अभी। तो ये है वो स्क्वायर, ये है जॉर्ज स्क्वायर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है। तो यूजुअली ऐसे स्क्वायर हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते। क्या बढ़िया सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठ के, बहुत ज़्यादा थक गया था मैं तो एकदम रिलैक्स और रिलैक्स कर रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के। जॉर्ज स्क्वायर जगह का नाम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे बेंचेस पे बैठ के रिलैक्स करते हैं, मौसम इन्जॉय करते हैं और आसपास की सराउंडिंग एम्बियंस उसको इन्जॉय करते हैं। अब
बारी है कुछ शॉपिंग की। लोकल ग्लासगो मार्केट में एक बहुत ही सेक्सिज़म मॉल है, यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए। प्राइसेस एक नंबर। जी टी शर्ट मेरे पास है सेम, आप लोगों को पता ही है, ये मिल रही है 5 पाउंड, बोल दो 450 रुपये। सो मैंने ऐसे लिए एक जिंजर शैम्पू जो डैंड्रफ और स्मूथनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, तो ये सिर्फ 1 पाउंड का यानी 100 रुपये से भी कम का। और 3 का मैंने पैक लिया है ब्रीफ्स का, जो कि मुझे पड़ा 3 पाउंड का यानी 100 रुपये का एक, जो बहुत ही सही रेट है। तो स्टोर का नाम है पेपिन कंपनी और यहाँ पे हाउस होल्ड सारा घर का सामान, शॉपिंग के लिए अपने जूते वूते कपड़े जो लेना ले सकते, बहुत ही सही रेट है यार। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या खरीदूँ और क्या क्या नहीं, फिर मुझे ऐसा ना एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे देने पड़ते हैं फ्लाइट में। स्कॉटलैंड बहुत ही अमेजिंग जगह है यार, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी क्या होता, मैं एक बार पे गया था तो वहाँ पे मुझे आउटसाइड सीटिंग चाहिए थी, बट फुल था आउटसाइड, अंदर भरा हुआ था, तो मुझे बाहर दो थोड़े एजेड से लोग थे, उन्होंने बड़े प्यार से आके बोला यू वांट टू सिट आउटसाइड, मैंने बोला यस, तो उन्होंने बोला कि यू कैन हैव अ सीट, वो अपनी सीट मुझे दे रहे थे, मैंने बोला नहीं यार कोई बात नहीं आप लोग सीट ले लो, बट उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया, उन्होंने मुझे बिठा दिया और उन्होंने बोला चीयर्स मैन दिस इज ग्लासगो। तो ये बहुत ही अमेजिंग है यार, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट की भी और अपने लोकल पीपल की भी। स्कॉटलैंड को मैं थम्स अप देना चाहता हूँ यार, बहुत अच्छा, दिल से दिल जीत लिया इस जगह ने मेरा। उत्तरी भाई क्या क्या करना चाहते है बंदा, ओ फक क्या कर रहा है बंदा भाई, ये बंदा क्या करना चाह रहा है, पुलिस भी आ गई अब तो, सुसाइड वुसाइड ना कर ले बस। नहीं फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई है उस बंदे को शायद बचाने के लिए, पकड़ने के लिए, समझ में नहीं आ रहा अभी तक, आधे घंटे से बैठा हुआ है ऊपर ही, और नीचे भी आ गई है रेस्क्यू टीम, पर बहुत गलत है अगर सुसाइड करने का सोच रहा है यार, ऐसी जिंदगी उसमें भी वापस कूद गया वो उस तरफ, बचा ली उसने अपनी खुद की। कांग्रेचुलेशंस टीम वर्क। सब टाइम आ चुका है, मैं सो जाऊं जाके, बहुत सारा थक गया हूं मैं। कल सुबह मैं निकल जाना लंदन के लिए, जो बहुत ही बड़ा इवेंट और बहुत ही नया एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में होने वाला है। और अभी आप देख रहे हो मैंने पहनी है इंडिया की जर्सी, प्राउडली पहनी है, क्योंकि फाइनल्स में नहीं, दुख बहुत हुआ, लेकिन ठीक है गेम है चलता रहता है। तो मैंने सोच रहा मैं लाइव जाके मैच देखूंगा, बट वो सब नहीं हो पाया, तो मैंने फाइनल इस जर्सी में बैठ के चौड़ में देखा यूके में। जर्सी नंबर मैंने पीछे लिखवाया है 7 नंबर, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि 7 मेरा लकी नंबर भी है, और साथ ही साथ मैं एम एस धोनी का दिल से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत उनको मैं मानता हूँ, तो इसलिए 7 मेरा फेवरेट नंबर भी है, लकी नंबर भी है, और वो मेरे फेवरेट प्लेयर भी है।